Hey guys, welcome back. And जब कि 2022 आ चुका है and Pokémon journeys के अंदर 2022 के अंदर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं. मतलब कि ऐसा हम लोगों को बहुत बार कंफर्म किया गया कि इस ईयर पॉकेमॉन जर्नीज पे हम लोग क्या शो किया जाने वाला है. तो हम लोग इस वीडियो के अंदर पॉकेमॉन जर्नीज या फिर पॉकेमॉन मास्टर जर्नीज तुम कह लो इस साल यहाँ पे क्या क्या शो करने वाली पॉकेमॉन कंपनी, तो या आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ र्यूमर्स को काउंट करेंगे एंड र्यूमर्स के बाद हम लोग कुछ जो कन्फर्म चीजें हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहली बात, एक जो र्यूमर यहाँ पे निकल के आई है कि पॉकेमॉन जर्नीज टोटल 4 इयर्स के लिए चलेगा. मतलब कि पॉकेमॉन जर्नीज के 2 साल तो अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. इसका मतलब ये है कि पॉकेमॉन जर्नीज के 2 साल और चलेगा. अब ये देखो 2 साल और यहाँ पे कंटिन्यू होना पॉकेमॉन जर्नीज, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता है कि देखो यहाँ पे जो टॉप 8 वाली बैटल है पॉकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैटल, वो तो फिर तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ही महीनों के अंदर हो जाएगा. तो उसके बाद यहाँ पे पॉकेमॉन जर्नीज में यहाँ पे क्या शो किया जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज और बचता है, वो है मिशन मियो, यानी कि जो मियो का वहाँ पे आर्क है वो शो करना है, राइट. इसके अलावा हम लोगों को और तो कुछ दिखाया नहीं गया है जिसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं पॉकेमॉन जर्नीज, क्योंकि यहाँ पे पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही तो मेन आर्क है. एक तो ऐश को पॉकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे जीतना है एंड यहाँ पे मियो कैच करना है गो को. अब ये देखो मियो को कैच कर पाएगा या फिर गो को थोड़ा सा लाइक मैच्योर बनाया जाएगा कि वो लेजेंडरी पॉकेमॉन या मिथिकल पॉकेमॉन कैच ना करे. वो लाइक कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं गो का, वो तो भाई अलग बात है, वो तो पॉकेमॉन कंपनी पे डिपेंड करती है. अब मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो भाई ऐसा होना चाहिए कि गो का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए ताकि यहाँ पे गो के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आए. मतलब ये देखो गो का लेजेंडरी पॉकेमॉन कैच करेगा फिर पूरे पॉकेमॉन के एनिमे में मजा नहीं आएगा. मतलब पॉकेमॉन कंपनी फिर एक कैरेक्टर को बहुत ही ओवर पावर्ड बनाएगी, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनके पास लेजेंडरी पॉकेमॉन है एंड जिन जिनके पास है वो कैरेक्टर बहुत ही ओवर पावर्ड है. लेकिन यहाँ पे गो एक न्यूबी था, मतलब गो ने पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर अपना पूरा जो पॉकेमॉन का सफर है वो शुरुआत ही किया था, तो वही से उसके पास अचानक से लेजेंडरी पॉकेमॉन आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा वियर्ड रहेगा. तो गो बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर होता एंड उसके पास यहाँ पे लेजेंडरी पॉकेमॉन आते तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता. मतलब यार फिर अच्छी बात है, ये एक्सपीरियंस ट्रेनर है, इसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो लेजेंडरी पॉकेमॉन रख सकता है, तो ऑफकोर्स भाई उसको रखना चाहिए. यहाँ पे भाई सीन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे गो सिर्फ एक पॉकीबॉल फेंक के पॉकेमॉन कैच कर रहे हैं, तो यार ये बहुत ज्यादा वियर्ड है. बट नाउ यहाँ पे तो कुछ र्यूमर्स थे, तो यहाँ पे अब जो मेन चीज है वो है कि पॉकेमॉन के प्रोड्यूसर ने यहाँ पे कुछ चीजें कंफर्म की है कि पॉकेमॉन की 2022 के अंदर यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट उनका ऐसा कहना है कि गलार रीजन के जो ट्रेनर्स है वो ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे यहाँ पे पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर, या मास्टर जर्नीज तुम कह सकते हो. तो इसका मतलब ये है कि गलार के जिम लीडर्स है उनका और यहाँ पे रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड यहाँ पे गलार के साइड कैरेक्टर्स थे पॉकेमॉन गेम के अंदर, शॉर्ट एंड शील्ड के अंदर हॉप जैसे कैरेक्टर, तो उनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो सकता है. एंड देखो उनसे यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत कैमियो देखने को मिली है जो आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू होगा. अब देखो हॉप जो है वो लियोन का भाई है, तो यहाँ पे उसका कैरेक्टर और इम्प्रूव हो सकता है और उसको यहाँ पे और फेम मिल सकते हैं पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर. और यहाँ पे गलार के जिम लीडर्स की बात करें, यहाँ पे धीरे धीरे तुम देख रहे हो कि बहुत सारे जिम लीडर्स अपना धीरे धीरे कैमियो दे रहे हैं. अभी यहाँ पे कुछ ही एपिसोड पहले एलिस्टर ने अपना कैमियो दिया था जहाँ पे गेंगार के सेकंड टाइम एक्स फॉर्म में एलिस्टर ने हेल्प की थी. तो ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे और जिम लीडर्स गलार के इंट्रोड्यूस होंगे जर्नीज में 2022 के अंदर. एंड दूसरा पॉइंट है वह टीम रॉकेट पे ज्यादा फोकस करेगी पॉकेमॉन कंपनी इस बार. इस बार देखो पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर टीम रॉकेट पे ज्यादा फोकस किया नहीं गया है अभी तक. अभी तक मान लो पॉकेमॉन जर्नीज में अप्रोक्स यहाँ पे 90 एपिसोड्स आए हैं, ठीक है, एंड 90 में से ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-25 एपिसोड के अंदर ही टीम रॉकेट का जो मेन रोल था, टीम रॉकेट को एटलीस्ट दिखाया भी गया है. बाकी एपिसोड के अंदर टीम रॉकेट का कोई रोल नहीं रहा है. एंड अभी टीम रॉकेट पे बेस्ड एक एपिसोड आने वाला है फेवर द वैंडरिंग रॉकेट गैंग, तो उसके अंदर यहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे टीम रॉकेट पे और फोकस बने पॉकेमॉन कंपनी का एंड उनको जो फेम है वो थोड़ा सा और वहाँ से मिले. और अब जो तीसरा पॉइंट है वो है लियोन का पर्सनैलिटी. मतलब देखो लियोन के ऊपर ही पॉकेमॉन जर्नीज बहुत हद तक बेस्ड है, यानी कि देखो लियोन का जो अभी रैंक है वो नंबर 1 है, राइट. और देखो सभी ट्रेनर्स का वही ड्रीम है उनको लियोन को बीट करना है ताकि वो भी नंबर 1 बन सके. लेकिन देखो लियोन को यहाँ पे कैरेक्टर वाइज दिखाया नहीं गया ज्यादा, मतलब लियोन की जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा हम लोग को शो नहीं की गई है. जैसे कि हम लोग आज का हर एक एक साइड जानते हैं कि आज यहाँ पे कभी कभी थोड़ा फनी हो जाते हैं, आज फिर कभी इंटेंस हो जाते हैं बैटल्स के वक्त, वो अपने एक अलग ही फॉर्म में चला जाता है बैटल्स के वक्त. तो ऐसे यहाँ पे लियोन के साथ भी यहाँ पे पर्सनैलिटी को शो किया जा सकता है, जो तभी होगा जब लियोन को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा. और जहां तक मुझे लगता है लियोन को तभी स्क्रीन टाइम मिल सकता है जब पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर एश वर्सेस लियोन के बैटल होने वाले हो. मतलब देखो मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रहा है कि एश वर्सेस लियोन भाई होगा अभी और होगा, मतलब जो नंबर 1 का बैटल है एश वहां तक तो भाई पहुंच जाएगा, मैं कंफर्म हूँ. मतलब एश नंबर 2 पे रहेगा फिर लियोन नंबर 1 पे रहेगा, ऐसा कुछ भाई होना चाहिए. एश टॉप 8 को जो डिफीट करेगा वही तो एश का मेन गोल है.
लेकिन क्या आज फिर लियोन को डिफीट कर पाएगा? क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, लेकिन देखो यार, ऐसा कहना है कि आज अनबीटेबल बनेगा, तो अनबीटेबल बनने के लिए उसको लियोन को भी डिफीट करना होगा। बट जो नेक्स्ट चीज है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हो सकती है, वो है कि आज के कंपेनियंस एंड आज के पुराने राइवल्स यहाँ पे रिटर्न करेंगे। देखो यार, यहाँ पे आज के कंपेनियंस है वो धीरे धीरे तो रिटर्न कर ही रहे पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक कंपेनियन की जो कमी है वो तुम बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे सरीना है। सरीना का अभी तक पॉकेमॉन के पूरे एनिमे सीरीज के अंदर कभी भी रिटर्न नहीं हुआ है। आज जितने मेन कंपेनियंस थे उनका कभी ना कभी रिटर्न हो चुका है। मतलब मेन अगर पॉकी गर्ल्स की बात करूँ तो सारे पॉकी गर्ल्स के रिटर्न हो चुके हैं यहाँ पे सरीना को छोड़ के, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं वो सरीना का बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे आज के और कंपेनियंस भी रिटर्न करेंगे, ऐसे यहाँ पे पॉकेमॉन का प्रोड्यूसर का कहना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वह है कि आज के राइवल्स रिटर्न करेंगे, एंड जो एक राइवल है जिसको मैं चाहता हूँ रिटर्न करे वो है टोबियस। क्योंकि यार देखो, टोबियस अगर टॉप 8 में ना हो ना, फिर यहाँ पे बात थोड़ी सी वियर्ड होगी। जो टोबियस की तुमने पावर देखी थी, मतलब उसका डार्क राय बहुत ही डिस्ट्रक्टिबल था, वो चाहे तो सिर्फ अपने एक पॉकेमॉन के साथ पूरे एक लीग को खत्म कर सकते हैं, पूरे लीग को वो जीत सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो पावरफुल है, एंड उसको अगर टॉप 8 में नहीं रखा गया ना, फिर भाई ये बात थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। लेकिन टॉप 8 के अंदर यहाँ पे सिंथिया ऑलरेडी एडजस्ट करती है, तो इस कारण से यहाँ पे टोबियस का चांसेस थोड़ा सा कम हो जा रहा है। बट क्या फिर भी मैं चाहता हूँ टोबियस से कभी ना कभी किसी पॉइंट पे यहाँ पे रिटर्न हो, एंड यहाँ पे आश वर्सेस टोबियस हम लोग को एक बार और यहाँ पे मौका मिले देखने को, एंड मे बी यहाँ पे इस मैच के अंदर टोबियस के 6 के 6 पॉकेमॉन रिवील हो जाए। तो यार ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड यहाँ पे जितनी पॉइंट्स मैंने बताया ये सब कंफर्म पॉइंट्स है कि यहाँ पे पॉकेमॉन जर्नीज के अंदर 2022 के अंदर ये होने वाला है। अब यार तुम लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स बताना, और तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, और तुम लोग किस टाइप का और कॉन्टेंट देखना चाहते हो तुम लोग मुझे कमेंट्स बताना, कि तुम लोग और क्या थ्योरीज देखना चाहते हो, या फिर पॉकेमॉन जर्नीज के ऊपर कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो, या तुम लोग ये चीज़ मुझे कमेंट्स बताना। और अगर चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज पॉकेमॉन के कॉन्टेंट के लिए भी बहुत ही बेस्ट प्लेस है तुम्हारे लिए। और चलो अब मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।